हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन से शोन इन द फिगर इज अ सेमी सर्कुलर मेटालिक स्ट्रिप दैट हैज थिकनेस टी एंड रेजिस्टिविटी रो। इट्स इनर रेडियस इज आर वन एंड आउटर रेडियस इज आर टू। इफ अ वोल्टेज वी नोट इज अप्लाइड बिटवीन इट्स टू एंड्स, करंट आई फ्लोज इन इट। इन एडिशन इट इज ऑब्जर्व दैट द ट्रांसवर्स वोल्टेज डेल्टा वी डेवलप बिटवीन इट्स इनर एंड आउटर सर्फेस इज ड्यू टू प्योरली काइनेटिक इफेक्ट ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन। Ignore any role of the magnetic field due to the current, then figure is schematic and not drawn. तो देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। पहले तो हमें चार ऑप्शन गिवन है और ये मल्टीपल टाइप क्योंकि एडवांस टाइप क्वेश्चन है तो इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन भी करके हो सकते हैं, तो हमें हर एक ऑप्शन पे देखना है ऑप्शन सही हो। पहले हमें करंट फाइंड आउट करना है। करंट फाइंड आउट करना है तो करंट का सिंपल फॉर्मूला होता है I is equal to V by R। V हमें गिवन है V नॉट, लेकिन जो R होगा ना बच्चों वो R वेरिएबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जाते जैसे कि R1 से R2 की तरफ जाओगे ना तो ये देखो ये करंट I है, ये करंट I इस पूरे सेमी सर्क्यूलर मेटालिक स्ट्रिप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो हो सकता है ऊपर वाले स्ट्रिप में ज़्यादा जाए, नीचे वाले स्ट्रिप में कम जाए, या फिर नीचे वाले स्ट्रिप में ज़्यादा जाए, ऊपर वाले स्ट्रिप में कम जाए। डिपेंड करता है कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा या कम है, ठीक है। तो मतलब कि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, करंट वेरी कर रहा है। करंट वेरी इसलिए कर रहा है कि रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, तो हम डायरेक्टली इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी हर एक स्ट्रिप का रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम ना यहाँ पे एक मेटालिक स्ट्रिप अज्यूम करते हैं, इसमें हम एक स्ट्रिप अज्यूम ये वाली स्ट्रिप हमने अज्यूम कर, ठीक है। ये स्ट्रिप हमने कहाँ पे एज्यूम की है, तो हमने एज्यूम की है ये x डिस्टेंस पे जिसकी थिकनेस बच्चों है dx, ठीक है। ये हमने स्ट्रिप एज्यूम कर, ये हमने इसलिए एज्यूम की है ताकि हमें इसका रेजिस्टेंस मिल जाए। इसका जो छोटा सा रेजिस्टेंस dr होगा वो कितना होगा बच्चों, छोटा सा रेजिस्टेंस इसका रो इंटू इसकी लेंथ हो जाएगी। लेंथ कितनी होगी बच्चों, लेंथ हम ऑलवेज कंसिडर करते हैं करंट की डायरेक्शन में, मतलब करंट इस तरीके से फ्लो होगा। तो हमें इस पूरे आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो आर्क की लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, पाई इंटू एक्स, क्योंकि ये आधा सर्कमफेरेंस है, ठीक है। आधा सर्कमफेरेंस है तो पूरा सर्कमफेरेंस 2πr होता है, तो आधा सर्कमफेरेंस पाई इंटू आर, यहाँ पे रेडियस एक्स है तो इसका लेंथ हो जाएगा पाई इंटू एक्स, तो रो पाई एक्स डिवाइडेड बाई इसका छोटा सा एरिया। एरिया क्या होगा, तो इसकी जो लेंथ आपको दिख रही है वो dx है और इसकी जो विथ है बच्चों वो स्क्रीन के अंदर है क्योंकि ये मेटालिक स्ट्रिप की थिकनेस टी है। अब ये टी थिकनेस वाली है जो कि हमें नहीं दिख सकता, लेकिन आप अज्यूम करो कि इसकी थिकनेस टी है जो कि स्क्रीन के अंदर है, ठीक है। इसका जो एरिया हो जाएगा वो dx इंटू टी हो जाएगा। dx तो आपको दिख रहा है ये dx है और अंदर बच्चों टी जितनी थिकनेस है, तो ये कितना हो जाएगा dx इंटू टी, मतलब कि रेक्टेंगल का जैसे एरिया निकल देना वैसे हमने निकाला है, तो ये dr हो गया। अब ऐसे सारे जितने भी स्ट्रिप्स है बच्चों वो पैरेलल में कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हर एक स्ट्रिप के बीच में वोल्टेज कांस्टेंट है और करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ऐसा किसमें होता है, पैरेलल कनेक्शन में। तो हमारा जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो कैसे आएगा, तो हमें 1/dr का इंटीग्रेशन करना, ठीक है। 1/dr का इंटीग्रेशन करते हैं तो देखते हैं बच्चों, इसको उल्टा लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, टी इंटू डीएक्स ऊपर आ जाएगा और रो पाई एक्स नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन, वेरिएबल कौन है x, x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, R1 से लेके R2 तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है बच्चों t डिवाइडेड बाय रो इनटू पाई और इंटीग्रेशन हो जाएगा R1 से लेके R2 तक किसका होगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन x, मतलब कि 1/x ds का इंटीग्रेशन। और हमें पता है कि उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, ठीक है। तो t डिवाइडेड बाय रो इनटू पाई इसका हो जाएगा ln x, पहले आएगा R1 बाद में R2, ठीक है। इसकी लिमिट पुट करते हैं तो T अपॉन रो पाई ये आ जाएगा बच्चों ln R2 बाय R1, ठीक है। ln R2 माइनस ln R1 होगा, उसको हमने शॉर्ट में ln R2 बाय R1 लिख दिया। तो ये हमें बच्चों 1/R इक्विवेलेंट मिल गया। हमें चाहिए R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट बच्चों कैसे निकालेंगे, R इक्विवेलेंट आ जाएगा इसका उल्टा कर दो तो रो पाई डिवाइडेड बाई टी ln R2 बाई R1, ये R इक्विवेलेंट आ गया बच्चों। R इक्विवेलेंट आ गया तो हमें चाहिए था करंट। करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू V नॉट बाई R,
ठीक है, वी नॉट बाय आर, तो आर को ऐसे लिख सकते हैं हम बच्चों, तो इन टू पाई टी ऊपर चला जाएगा और ये वाला टर्म भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर वन से मैच कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर वन से। अब बात करते हैं कि डेल्टा वी और आई स्क्वायर में रिलेशन क्या है और आउटर और इनर सरफेस में हायर वोल्टेज किसके पास है, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको जरा देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे। पहली चीज बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, मान लेते हैं कि यहाँ हमें काम करते सभी चेंज करते ताकि आप, ठीक है, मान लो कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो उस पर एक फोर्स लग रहा होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन किस दिशा में जा रहा है, तो वो इस सेमी सर्कुलर स्ट्रिप में जा रहा है, सर्कल वाले पाथ पे। तो हमें पता है जब भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल सर्कल वाले पाथ पे मूव करता है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा इस तरीके से। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, तो इस पे बच्चों एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जो कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम वी स्क्वायर बाय आर, ये वाला सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कौन प्रोवाइड करेगा, जनरली ये जो स्पीड होती है वो ड्रिप स्पीड होती है, एम वी डी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू, ये कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ए इंटू ई क्यू इंटू ई, ठीक है। अब देखना बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की डिरेक्शन में लगेगा क्योंकि वही सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डिरेक्शन में लगता है, मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिरेक्शन में होगा तभी उस पर फोर्स नीचे लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डिरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डिरेक्शन में होगा। सिमिलरली मान लो कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे लगेगा, वही फोर्स आपको इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो ऑलवेज क्या होगा बच्चों, रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो इस केस में अगर मैं बात करूं यहाँ पे जैसे, क्योंकि हम यहाँ पे जाते हैं इस केस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा, फिर अगर हम ऊपर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ। लेकिन हमें पूछा है कि आउटर सरफेस पे हायर पोटेंशियल है या लोअर पोटेंशियल है, तो ये तो बच्चों सिंपल सी बात है और बहुत ईजी बात। हमें पता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डिरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ये हमें पता है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डिरेक्शन में जाते हो तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है मतलब कि इनर वाले पे इनर का जो पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा और आउटर का पोटेंशियल जो होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि आप जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो आउटर सरफेस पे पोटेंशियल लो होगा, ठीक है। तो आउटर सरफेस इज एट अ लोअर पोटेंशियल देन द इनर सरफेस, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका सही हो गया। और ये सही हो गया मतलब कि ऑप्शन नंबर टू गलत हो गया, ठीक है बच्चों। अब आपको ये पता चल गया, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको डेल्टा वी और आई स्क्वायर के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। अब जैसे मैंने आपको ये बताया, ये देखना E into E is equal to m bd square by r, ये मैंने आपको बता दिया। आपको एक इक्वेशन ये भी पता होगी, I is equal to n e a bd, ठीक है। और E यहाँ पे देखना बच्चों, यहाँ पे मैं इस स्टेप को यहाँ पे लिखता हूँ, E को हम क्या लिखते हैं, E को हम लिखते हैं डेल्टा V by डेल्टा L, ठीक है, लेंथ जो होती है वो। तो E की जगह पे मैंने डेल्टा V by L लिख दिया। m bd square क्या होता है, अब देखो bd I के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो वी डी स्क्वायर आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। पूरा एक्सप्रेशन नहीं लिखता हूँ इसलिए मैंने इक्वालिटी की साइन हटा के प्रोपोर्शनलिटी की साइन लिख। तो यहाँ से ये भी प्रूव हो रहा है कि डेल्टा वी जो है वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है। इसको आप बच्चों एक इंटीग्रेशन वाले मेथड से भी प्रूव कर सकते हो, लेकिन वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो मैं आपको वो मेथड नहीं बता रहा हूँ, सिंपली आपको इस एक्सप्रेशन से समझा रहा हूँ। तो यहाँ से ये भी प्रूव हो रहा है मतलब कि ऑप्शन नंबर फोर भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर वन, थ्री एंड फोर, ये तीनों करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरी चीज की बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखने के लिए बोला गया है कि
इग्नोर एनी रोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट, क्योंकि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड का रोल यहाँ पे ले लिया, क्योंकि करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स भी लगाएगा, ठीक है, क्योंकि ये करंट जा रहा है तो आपको आपकी स्क्रीन के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ये अगले चैप्टर में आपको पढ़ने में आएगा, लेकिन आप समझ सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उस पर फोर्स भी लगेगा। जैसे इस वक्त हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको ही काउंट किया है, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड होता तो वो भी फोर्स लगाता, तो हमें टोटल लोरेंट्स फोर्स को कैलकुलेट करना पड़ता, ठीक है, पर इस केस में हमें वो कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना है, तो इसलिए हमें क्लियरली बताया गया कि हमें मैग्नेटिक इफेक्ट को इग्नोर करना। तो यहाँ पे हमारे तीन ऑप्शन करेक्ट है, आपको आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।